हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया साइबर किचन, यानी कि आपका अपना किचन। तो देखिए क्या है हमारे काउंटर पे। हमारे काउंटर पर तो है भिंडी। जी हाँ, भिंडी बहुत सिंपल सी है ये सब्ज़ी, लेकिन भाई भिंडी भी खास होती है जब मम्मी पास नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये उन बच्चों के लिए आजकल लॉकडाउन में जो घरों से दूर हैं, अपने घर जा नहीं पाए हैं, कहीं फंस गए हैं, और ये सिंपल सी सब्ज़ियाँ भी जिन्हें नहीं बनानी आ रही हैं, नहीं बना पा रहे हैं, ये खास उनके लिए है। कि ये देखिए सिंपल सी सब्ज़ी भी कितनी टफ़ लगती है जब समझ में ना आए बनाना उसे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ लिया मैंने आधा किलो भिंडी, और सबसे पहले रखें साफ़ सफाई का खास ध्यान। जी हाँ, अपने हाथों को अच्छे से धोकर ही कीजिएगा काम। तो यहाँ ली थी मैंने आधा किलो भिंडी, जिसे कि मैंने अच्छे से धो करके सूखा करके काट लिया है। और यहाँ लिए साथ ही साथ मैंने दो हरी मिर्ची और दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज फ्रेंड्स मैंने काटे नहीं, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसको इस तरीके से और बीच में से लगाइए एक कट, और इसको हमने बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसको। ये देखिए इस साइज़ का प्याज जो है हमने काट लिया है, तो इसको इस तरीके से प्याज को भी काट लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स काट लिया है हमने प्याज को इस तरीके से, और साथ ही साथ हरी मिर्ची को भी। हरी मिर्ची ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। और साथ ही साथ यहाँ देखिए मसाले भी इसमें बहुत कम जाने वाले हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी और ये धनिया पाउडर। अब आपको करना क्या है, ये आधा किलो भिंडी के लिए आप एक कढ़ाई ले लीजिए, और उसमें कोशिश कीजिए अगर ये सब्ज़ी आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बनती है भिंडी। तो उसमें 2 टेबल स्पून भर के आप डालिए तेल के। तो यहाँ देखिए डाल लिया है मैंने तेल। और फ्रेंड्स, सरसों के तेल में बनाने की भी एक ट्रिक होती है कि अगर हम तेल डालते ही उसमें सब्ज़ी डाल देंगे तो जो तेल की महक है वो सब्ज़ी में आ जाएगी। तो करना क्या है, तेल को हमें कर देना है अच्छे से गरम, ताकि इसकी जो महक है वो निकल जाए। देखिए आप देख पा रहे होंगे इसका कलर चेंज हो गया है। तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इसको थोड़ा सा अब हम ठंडा होने देंगे। बहुत तेज़ में अगर हम डालेंगे तो सब्ज़ी जो है हमारी वो जल जाएगी। तो थोड़ा इसका सेक कम हो जाए तो हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे। तो ये देखिए अब थोड़ा सा हो गया ठंडा। अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी। सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें भिंडी को, और इसे चला देंगे एक बार। और अभी देखिए हमने इसमें कोई मसाले कुछ नहीं डाला है, और गैस का फ्लेम जो है हम रखेंगे स्लो टू मीडियम, और इसे हमें ढकना नहीं है, ऐसे ही हम इसे खोल करके पकाएंगे, और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और ख़ास ध्यान आपने क्या रखना है, इसको काटने का, कि इसे आपने बहुत, देखिए हमने बहुत मोटे पीस नहीं काटे और बहुत बारीक नहीं काटे हैं, तो इसे हमें बहुत बारीक नहीं काटना है, नहीं तो सब्ज़ी जो है हमारी बिल्कुल ढल जाएगी। कई मेरी फ्रेंड्स अक्सर कहती है कि मेरी भिंडी में जो है लेस नहीं रहती है। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, बस वही फॉलो करने होते हैं, और उसी से हमारी सब्ज़ी में जो है फ़र्क पड़ जाता है टेस्ट का। देखिए अब इस स्टेज पे जब आपको लगे कि भिंडी जो है थोड़ी पकने लगी है, ये देखिए इसका टेक्सचर जो है, कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्ची, और एक बार चला लेंगे इसे। फ्रेंड्स, हम इसमें कोई बेसन, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ नहीं डालने वाले हैं, और फिर भी आप देखेंगे कि ये भिंडी जो है बहुत ही क्रिस्पी और करारी सी बनेगी। और अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी। हल्दी यहाँ पर जा रही है आधी चम्मच, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर रहे हैं हम यहाँ लाल मिर्ची। आधी चम्मच मैंने लिया लाल मिर्ची। फ्रेंड्स, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नमक मैंने अभी नहीं ऐड किया है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे स्लो पर, और इसे ऐसे ही पकने देंगे और 5 मिनट के लिए। तो देखिए इसे पकते हुए हो चुके हैं 5 मिनट, और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक भी यहाँ जाएगा आधी चम्मच, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, जितना भी आप खाते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। ये ध्यान रख के डालिएगा कि सूखी सब्ज़ी है तो ये अभी थोड़ी सी और घिस के कम हो जाएगी, तो नमक आप उसके अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और अभी हम इसे पकाने वाले हैं 5 मिनट के लिए, और फ्लेम जो रहेगा वो गैस का स्लो ही रहेगा।
तो लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी भिंडी, एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल भी इसमें लेसलापन नहीं है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आमचूर ऐड कर सकते हैं, या वो बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं यहाँ 1/4 चम्मच डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना आप इसे स्किप करेंगे तो भी टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, कितनी जल्दी और कितनी बढ़िया हमारी भिंडी की सब्ज़ी जो है बनी है। तो मुझे ये तो नहीं मालूम कि आपकी मम्मी जैसी बनी है या नहीं, लेकिन हाँ, ये इतनी बढ़िया तो ज़रूर है कि आप भी अपनी मम्मी को बना कर खिलाएंगे तो उन्हें पसंद आएगी। तो गैस का फ्लेम कीजिए ऑफ और इसे खाइए आप पराठे के साथ या चपाती के साथ, जिसके भी संग आपको पसंद है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपकी भिंडी कैसी बनी। तो नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।